ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं आज का ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सॉरी फ्रेंड्स, हर एक वीडियो भी दो दिन के बाद अपलोड हो रही है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम के चलते मेरे ऐसे वीडियोस आप मत कहो ऐसा के अभी चैनल आपके ग्रो नहीं हुए, अभी से आप इतना लेट वीडियो अपलोड क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ मत कहो मेरे प्रॉब्लम्स के चलते। मगर आज से आप मुझे डेली देखोगे। चलिए फ्रेंड्स, आज दो दिन के बाद आए तो कुछ तड़कता भड़कता चीज़ आपके लिए लेकर आएंगे होगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको लेकर आया हूँ दुनिया की बहुत बेहुदा एपिसोड शार्क टैंक। कौन सा? राखी सावंत का एपिसोड के बाद वन ऑफ दी वर्स्ट एपिसोड, वर्स्ट सीरीज कह सकता हूँ मैं शार्क टैंक। ऑलमोस्ट मैं भी देख रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत मजा मन आना है, इस वीडियो में भी इस वीडियो को पूरा वॉच करना। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट वी स्टार्ट। सो ऑलराइट फ्रेंड्स, अभी मैं आपको शार्क टैंक का फुल फॉर्म बताता हूँ। यहाँ पर कुछ जजेस बैठे होंगे शार्क टैंक के, इनके पास अंधा पैसा है। हाँ, अंधा पैसा और बहुत भरा, बहुत सारा दोगलापना भरा है। हाँ चलिए फ्रेंड्स, इसमें आपको इन जजेस का एक रिव्यू तो देखना बनता है ना, इनका इनका प्रोफेशन क्या है, इनका क्या क्या कैरेक्टर है। चलिए फ्रेंड्स, इनका कैरेक्टर देख कर आते हैं। ये है अश्नीर कौर, जो सीईओ ऑफ सब दोगलापन है, ऑफ दोगलापन। ये एक ऐसा बंदा है ना ब्रो, कहीं पर भी चल जाओ, कहीं पर कुछ भी लेकर आओ, मगर जो मुझे इसी बात पे एक बात समझ, एक पुराने ख्याल की एक स्टोरी समझ में आ रही। जब मेरे डैड कहते हैं ना ब्रो, तूने कुछ नहीं किया। सॉरी ब्रो, मुझे हिंदी थोड़ी कंफ्यूज हो रही है। मैं कैन आई स्पीक उर्दू ब्रो? अभी मैं आज से पक्का उर्दू बात करूँगा, क्योंकि मुझे उर्दू में थोड़ा नर्वस भी नहीं होता और मैं कैसे भी बोल सकता हूँ उर्दू में। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज से देखेंगे, बट ट्राई करके देखता हूँ उर्दू में बात करता हूँ। मैं तो अश्नीर ग्रोवर के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। तुम ना इन्हें द सीईओ ऑफ दोगलापना का एक सीईओ है इन्हें, क्या मतलब मैं इसका दोगलापना का राज, जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग को इन्हें पेरेंट जागृति मतलब तब टीचर बोलता ना भाई मुझे करना ही नहीं, ये सब दोगलापना, ये सब इसके बारे में वो इन्हें बात करता ब्रो। इन्हें हर बात को, हर कौन तब इन्वेस्टर आंदे, कौन तब एक एंटरप्रेन्योर आंदे, सबको भी एक किचक बोल बोलता। सॉरी ब्रो, आसान हो रही, 5 मिनट टाइम देंगे। ऑलराइट ब्रो, मैं अश्नीर ग्रोवर के बारे में बात कर रहा हूँ। अश्नीर ग्रोवर एक दोगलापना का सीईओ, उन्हें एंटरप्रेन्योर को क्या भी उसके ऊपर बात करने देता नहीं। इन्हें हमारे पास कॉम्पिटिटिव, ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना, मैं देखना चाहता हूँ, मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। कंपटीशन है जमाने में, बिजनेसमैन को भी जमाना है, वही बिजनेसमैन भी कंपटीशन जमाने में चल रही को मालूम कर ले जाए। कैसा मालूम? अभी एक और एक इन्वेस्टर बैठा हुआ, और एक इन्वेस्टर उसके पास वो अश्नीर ग्रोवर बैठा, इन्हें 1.5% इक्विटी को आया, तो इन्हें सीधा 1% इक्विटी, वो कंपनी लास्ट में जा रही कि क्या जा रही कि देखता नहीं, सीधा 1% इक्विटी। उन्हें दीवाना ही बना रहेंगे वहाँ मेरा अंदाज, कई का तो उसका एक रखे माइंड सेट चेंज होकर था। सो कई से को भी मुझे लग रहा है उन्हें पैसे देती कि नहीं, कि वो रियल की असली की मालूम नहीं, फेंक रहेंगे मेरा अंदाज। तुमना क्या मिलता डो कमेंट बॉक्स। चल गया फ्रेंड्स, मैं अब तुमना दूसरे एक इन्वेस्टर के बारे में बोलता हूँ। ये मीट कीजिए फ्रेंड्स, नमिता थापड़। ये एक इनर है सका ब्रो, ये कैसा मतलब तरकारी खरीदने जाती नो भैया बोलती ना, भैया सॉरी ये मुझे पसंद नहीं आया, ये तरकारी अच्छी नहीं, ऐसा वैसा करके बोलती हैं। देखो पैसे ज़्यादा हो गए तो इनो वैसा इन एंटरप्रेन्योर बोल को रहती ज़्यादा पैसे है तभी ना बोलती, मेरी एक्सपर्टीज में नहीं है, मुझे पर्सनल लेवल पे इतना एक्साइटमेंट नहीं है। मेरी टैलेंट पे इसमें नहीं है, मेरी इसमें मार्केटिंग नहीं है, ऐसा वैसा बोल को इन एंटरप्रेनर कुछ बाजार करके भेज देते हैं ब्रो। ये ऐसा नमिता थापड़ करते हैं। अब ये बल्ला के जने हैं लाइक अमन गुप्ता और कोई और एक बल्ला जने हैं। डू कमेंट्स बॉक्स, मैं भी देख को नहीं हूँ पाक से, और एक नाम एक गर्ल का नाम आ रहा गजल कर को, बहुत बेहतरीन नाम भी है उनका। चलिए फ्रेंड्स, मैं इनके पूरा डिटेल्स में बोलना का, तो शार्क टैंक एक दोगलापना, दो सॉरी ब्रो अश्नीर ग्रोवर का ही पूरा डेला करा।
शार्क टैंक है कि इस पर बैठ को है ना इन्वेस्टर सर पूरा करने अंधा पैसा है सो चुपका चुप पैसा वेस्ट करे भाई ले लगा दियो ब्रो ले लगा दियो घरी बांग दियो ब्रो पैसे तो धक्की घरी बांग दियो ये मेरा फेक लग रहा ब्रो ना चैनल के टीआरपी में अंदर सोने मैक्स लगे क्या मिला कर रहेगा मेरा अंदर सा हाँ तुम्हें वैसा लगा तो डॉक्यूमेंट बॉक्स ब्रो चलिए फ्रेंड्स मैं आज तो ना ये शार्क टैंक के बारे में रोश कर सॉरी ब्रो रोश करना नहीं उनको उल्टा मेरा पर क्या करना होता मैं तो ना शार्क टैंक को एक वीडियो बनाने को उसके बाद और मैं मिम्स हमें बना खूँ अच्छे मैं इसका नाम रख रहा हूँ मैजिक मिम्स मैं एक नवा भी ऐड कर को हूँ चलिए फ्रेंड्स मैं दिखता हूँ कैसे रहते हैं मैजिक मिम्स वो देख लगेंगे देख लग जाएंगे मैजिक मिम्स में एक तो तुम ना अस्टी ग्रोवर के हाथ से स्टार्ट करता हूँ वेन इट सॉरी ब्रो दिख जा रहा नहीं वेन इट इज यूर एग्जाम नेक्स्ट डे बट यू आर गोइंग टू एन्जॉय इन साइड ऑफ स्टडिंग बुक्स भाई क्या कर रहा है तू राइट ब्रो राइट दूसरा मीम्स देख लेते हैं अपन अश्लीर इन शार्क टैंक सीजन टू मेरी कंपनी की 1% इक्विटी है बदले 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट के आया हो और लेके ही जाओगे सही को सही बहुत अच्छा बोला ब्रो इंग्लिश थोड़ी वीक है क्या आप करना था इंग्लिश में लिखो ही बहुत अच्छा बोला अश्विनी ग्रोवर ऐसा पैसा वेस्ट करे तो सीजन टू में ही ना ऐसा बोलता कर को मैंने पक्का है कि ना तुम्हें क्या होता है डू कमेंट बॉक्स व्हेन फ्रेंड्स आस्क मी फेट डीपेल ये मेरी एक्सपर्टिस नहीं है आई एम आउट क्रेजी क्रेजी ब्रो मैं भी ऐसा करता हूँ मेरा फ्रेंड्स साथ मेरी एक्सपर्टिस इसमें नहीं है आई एम आउट क्रेज ब्रो मजाक में दूसरा मीम सर मैंने टीचर आस्क द क्लासेस सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम्स एंड अ बोर्ड बैक बेंचर्स मेरे तरफ से बिल्कुल ना ही है ना है मेरे तरफ से बिल्कुल ना है अश्विनी ग्रोवर ब्रो ऐसा ही बोलेगा ऐसा बोल रहे रहेगा उनको मी इट इज रियलिटी आई एम आई थिंक शुड स्लीप नाउ ओवर थिंकिंग माइंड मत सोचो मन का कर दो जो दिल कह रहा है उसका करो हाँ ब्रो इससे कोई सेंटीमेंट देना अनम अमन गुप्ता सॉरी ब्रो नाम भी पिसड़ रहा है अमन गुप्ता से मेरा कोई सेंटीमेंट जुड़ा है लगता है डू कमेंट्स अमन गुप्ता आप ये वीडियो देख रहे होगे तो मुझे डू कमेंट्स कर देना ब्रो पुट द फोन इन चार्ज फॉर 2 hours लेट यूर गेट ऑन दैट यू डू नॉट ऑन इवन स्विच ऑफ द बटन ले फोन बिल्कुल ही टाइम बर्बाद किया है आपने भी हमारा भी फोन भी ऐसा ही कहेगा लगता है हाँ टाइम पर बात किया है अपना भी और मेरा भी स्टॉप इट एनीथिंग फॉर द टेस्ट एंड मेकिंग एक्सक्यूज दैट फॉरगेट टू द पेन ले सर हाँ मैं दे दूंगा तू टेंशन ना ले सही में ब्रो व्हेन इट इज योर जेन्युइनली एक्स्ट्रा क्लासेस ऑन 14 फरवरी यहाँ पर नीचे मीम्स एड हॉक नहीं है मैं ऐड करता हूँ तुम ना देखेंगे February and you ask permission to तो भाई मुझे लगता है वहाँ पर मीम क्या ऐड होना चाहिए मुझे लगता है ये सब दोगलापना है यही ऐड होना चाहिए ना करेक्ट का नाम है चलो फ्रेंड्स कैसा लगा ये ब्रांड एक छोटा मोटा शार्क टैंक पर वीडियो अच्छा लगा तो डू कमेंट बॉक्स प्रो मेरी हलक बहुत ही ज़्यादा जल रही है आइंदा मैं 2 दिन के एक बार या 1 दिन को एक बार वीडियो बन अपलोड करूँगा तो बुरा मत मानना ब्रो क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं इसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना रहा मेरी तबीयत तो ठीक रही तो मैं डेली आपको मिलूंगा आप डेली वीडियोस देखोगे चलिए फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो में तब तक के लिए अलविदा ओहो जाते जाते एक बात तो सुनने जाओ मैं मैजिक भी ऐड कर चुका हूँ आप तो सब्सक्राइब करके जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो ना ब्रो सब्सक्राइब कर दोगे तो मज़ेदार वीडियोस आते रहेंगे और मैं आप भी हंसते रहोगे मैं भी आपको हंसाता रहूँगा चलो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपको ब्रांड न्यू वीडियो में तब तक के लिए अलविदा